तो हमारा बच्चा अभी सीट बेल्ट बैठने लगा है तो क्या बोलते हो ऐसे ले चल। डर लगता है पुलिस पुलिस है यार। लोग शादी में ऐसे कपड़े नहीं पर पुलिस क्यों है रास्ते में भी पुलिस थी यहाँ भी पुलिस थी यहाँ लोग भी इकट्ठे आए हो कुछ गलत ना हो रहा हो यार। हाउसफुल है हाउसफुल शादी वादी की गाड़ी रुकी रुको क्योंकि मेन तो हमें कहीं और जाना था दिमाग से निकल गया नहीं पता था कि घर नहीं है हमारे पास। तू क्या कर रही क्या कर रही है ये उठ गई मैं भी उठ गया ना लिया और क्या क्या करना कुछ कर लिया बस खाना झाड़ू पोछा हो गया सुबह के बज रहे हैं 8 दोस्तों ब्लॉगिंग करी नहीं क्यों लोगों को बताओ कि वो जो कह रहे हैं वही तो आप कर रहे हो। हाँ पर अभी 4 दिन से कर रही हूँ बट पता नहीं अच्छा दिखाती हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी व्लॉगिंग का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मगर अच्छा कर रहे हो ये कहता है कि बच्चे सो रहे हैं अब तक अपने झाड़ू पोछा। हाँ मुझे अच्छा भी लगा थोड़ा अकेला समय भी मिला उस पर गीत उड़ गई थी गीत के साथ मेरा आधा 1 घंटा हुआ मिलता है। मगर एक दिन में फिर आपको नहाने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा खाने के लिए झाड़ू पोछे के लिए। आज मेला मीत दीदी आज जल्दी उठ गया क्या गुड मॉर्निंग कह दो सबको फिर। अब मुझे लगता है कि मीठी सबसे ज्यादा बातों नहीं निकलेगी। जय माता दी गीत मीत नमस्ते कर दो नीत देखो पापा क्या लाए ये क्या है इतना बड़ा चुकंदर। अब आप इतना खून पीते हो मेरा में से ये जूस निकला इतू सा पानी डाल के तो बच्चों के लिए बचा के गिलास भी तो आपका हडिम्बा वाला है दीदी तो मैं कौन हूँ हाँ, इसलिए तो लाया हूँ कि अब मेरा खून इतना पियो। ना एक आज भी एक कल भी अगर देखो फ्रेंड अभी 4 दिन या लगातार मैं उठ रही हूँ सुबह जल्दी जल्दी विषम बहुत बड़ा है आपने देखा इतना बड़ा कभी चुकुंदर। आप जो सुबह उठ के काम कर रहे हो उससे फ्रस्ट्रेशन आ रही आती होगी वो तो बच्चे की। जैसे ही मैं आपको देखती हूँ तो आने लग जाती है मुझे। देखो मालवे जी का जवाब कैसा लगा मालवे जी सेम है टिट फॉर टैट सेम गीत रीत गुड मॉर्निंग मीत गुड मॉर्निंग। आज गीत दीदी उठी थी फिर सो गई फिर उठी और फिर सो गई सो ही नहीं रही थी मालवे जी वो पता है तीसरी बार उठ के सो रही है फिर अम्मा। तो आज मैं आई हूँ गीत को छोड़ने क्योंकि माता जी को जल्दी ऑफिस जाना है क्योंकि फिर हमें निकलना है तो गीत जा रही स्कूल। बहुत ठंड है बाहर गीत इनर दो अंदर पहनती फिर स्वेटर पहनती जैकेट में बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता। ऑटो वाले भैया रोज लेट आ रहे हैं आजकल बाकी स्कूल से टाइमिंग की वजह से इतना लेट जाने लगी 1.5 घंटा हो चुका है। मैं पहले नीचे इसलिए आ गई क्योंकि जल्दी है ना माधव जी को भी जाना है उनके पास टाइम नहीं है कब से वेट कर रहे हैं। आ गए भैया चल जा ये थैंक यू रह गया बेटा आपका जा बाय बाय बेटा ध्यान से जाना है ना बाय लव यू। तो फ्रेंड्स गीत को छोड़ दिया है और गीत को छोड़ने आने का ये एक रीज़न ये भी था जब मैं डीमोटिवेटेड हूँ डिस्ट्रेस्ड हूँ ना तो ऐसी जगह को और फेस करना चाहिए। आपको पता है मुझे नीचे आने से डर लगता है तो ऐसी जगह को और फेस करना चाहिए जहाँ आपका कंफर्ट नहीं हो आपको डर लगे जाने से। रीज़न अभी भी वही है यहाँ के लोग अभी भी मुझे टॉन्ट मारते हैं बहुत गलत व्यवहार करते हैं
मैं उन्हें निग्लेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे अपने डर से जीतना है बस, इसलिए मैं नीचे आई थी। ठीक है, मिले अभी भी मिले लोग, ठीक है, इट्स ओके। मेरे को अपने आप से जीतना है, मुझे किसी और से नहीं जीतना है। कहाँ जा रहे हैं आज? हम बाहर निकल रहे हैं, हमारी बच्चों की पहली रोड ट्रिप होगी ऐसा हम कह सकते हैं, कुछ विशेष जगह जा रहे हैं, तो गाड़ी में कुछ काम कराना है, हम पहले गाड़ी में काम कराने चलते हैं, फिर वापस आएंगे और फिर लेके चलते हैं आपको एक नई यात्रा पे। मैं अभी 3:30 बजे ऑफिस आया, लेट हो गए, बहुत सारे काम पेंडिंग थे। मैं नहीं चाह रहा था कि 22 तारीख को हमारे एक बड़ी रैली निकलने वाली है, तो उसकी भी तैयारी करानी थी। वेरी गुड गीत, गीत ने लंच फिनिश कर दिया, गीत भी स्कूल से आ गई है। पापा बहुत लेट हो गए, नहीं तो अब तक हमको रास्ते में होना चाहिए था, निकल जाना चाहिए था। रीत 2 मिनट रुक जाए बेटा, रीत बहुत बहुत परेशान कर रही है, देखो ये खड़ी हो गई है। और जो भी चीज़ हम खाना खाते हैं, हाँ सब्जी क्यों नहीं खाई बेटा? आप सब्जी नहीं खाते, रोटी बस खा रहे? हाँ आपने रोटी बस खाई, सब्जी नहीं खाई। तो मैं ये बहुत परेशान हो गया, 3 बज गए रचना, अभी अब सामान नहीं जमा है प्रॉपर, क्योंकि मेरे बिना वो कैसे करेगी? मुझे पहले मैं 1:30 बजे आ जाता था, वो 2:30 बजे हम निकलने वाले थे, पहले ये प्लानिंग थी, पर अब 3 बज चुके हैं दोस्तों, अब 3 बज रहे हैं, फिर रात हो जाएगी पहुँचते पहुँचते, देखते हैं क्या करते हैं, फिर परेशान हो जाएंगे बच्चों ने ठंड में। निकलने वाले 5 और अभी तक हम निकले नहीं, हमको निकलना था। बेबी ने बहुत परेशान कर दिया और मैं ऑफिस से बहुत लेट आया, जैसे मैं आपको बताया था। अभी रचना पैकअप करी, तैयारी चली रही है कि ये हो गया मेरा बैग, अभी लैपटॉप रखना है, ये ऑफिस का बैग करूँ। ये क्या परेशान मत हो, निकल जाएंगे ना, पहुंचने ही तो है यार रचना। अरे तो परेशान मत हो, एक तो 5 बच्चों के साथ वो जा भी कहां है, तो मैं पूछ लूंगा। जा मैं आज तक बिना साड़ी के नहीं गई हूँ, वहाँ अलग बिना साड़ी के कैसे जाऊंगी, तुमने सोचा है कभी? सोचा क्या, अब तो क्या है, अब हो गए यार, शुरू शुरू की बात थी, 5-6 साल हो गए, 7-8 साल हो गए, शादी कितने साल हो गए, 2015 की शादी है और 9 साल हो जाएंगे इस साल। है हाथ जोड़े मेरे, कभी जिंदगी में जोड़े नहीं, उधर जोड़े थे सास ससुर के, कपड़े नहीं तो क्या ससुराल नहीं जा सकते क्या? क्यों दोस्तों आप लोग बताओ, मैं जाना चाहिए वैसे ही जाएंगे, ऐसा भी नहीं कि ओछे कपड़े पहन जाएंगे, मगर फिर भी यार अब शरीर में साड़ियाँ नहीं आ रही हैं, अब क्या करो यार, क्या ऐसी जगह कहीं जा नहीं सकते क्या? तो साड़ी का सिस्टम अच्छा लगता है, भारतीय महिला साड़ी में सबसे बेस्ट लगती है, नो डाउट, खासकर रचना। बट अभी तो समस्या अलग है, सडनली एक तो मैं गधा ने प्रोग्राम बना लिया है, क्योंकि दोस्तों 22 तारीख को मैं चाह रहा था कहीं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पर मुझे बहुत अच्छी लगे यार, और वो है ऐसी जगह, आप चाहोगे आपको भी अच्छा लगेगा, मगर मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, ससुराल जा रहे हैं, मगर उसके अलावा एक जगह और है ऐसी। कहाँ जा रहे हैं आओ, मीत रीत क्यों रो रहा है, चल रहा है, लेट हो रहा है क्या? करो कितनी आवाज आ रही है, अभी भी हम 5:30 बजने वाले हैं, सच में हमको जाने नहीं चाहिए ऐसा लग रहा है यार, ये बच्चों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है यार, मगर कब तक हम वही सीखने के लिए तो जा रहे हैं, मेन पर्पस हमारा यही, मुझे लगता है यूज कैसे, देखो रो जा रहे दोनों, गोदी चाहिए तो खासकर मैं घर पर रहता हूँ तो तुमको चाहिए ही चाहिए गोदी, नहीं तो रचना कहती कि नहीं चाहिए रहता, क्यों रचना कहाँ जा रहे हो? क्यों रो रही है, गिर गए? ऐसा नहीं गिरी, यहीं के खड़े होने से पहले ही गिर गई थी, खुद ही गिरे खुद ही रो रहे। तो हमारा बच्चा अभी से सीट बेल्ट बैठने लगा है, तो क्या बोलते हैं ऐसे ही ले चले इसको? ये रीत दीदी है, नहीं ये मीत दीदी है, रीत दीदी वो है, रचना दीदी वो है। रचना कहाँ जा रहे हो? GoPro सब रख लिया मन, इधर देखो तुमने ले रही। तो दोस्तों फाइनली वी आर लीविंग आफ्टर 5:30, 6 हो गया होगा, सडनली ये प्रोग्राम बना, इसलिए रचना बहुत परेशान हुई, लेट हो गए, वो सब मेरी खुराबाती दिमाग है या मेरी जिद है, केलो जो भी है, चले बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बस। ये क्या, ये तो फिक्स है ना, हम नहीं चाह रहे फिक्स हो, ये फिक्स नहीं, फिक्स नहीं है, नहीं इनको भी लेके कहाँ घूमो, अलग से बात है ना, ये भी सेम एज ग्रुप के लिए है, 0-18 मंथ, 18 मंथ के आगे सर, 13 केजी भी कवर नहीं है, कितने लगाते
वहां तक लगेगा क्या? ये क्लिप में अटक यहाँ पे तो बहुत ढीले नहीं है, तो निकल नहीं आएगा, तो निकल नहीं उधर लगेगा ही। क्या हो रहा है देखो उधर, क्या हो रहा है तो उल्टी तरह बैठे देखना पड़ेगा। इतना बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? डेढ़ साल के बच्चे के हिसाब से तो देखा, डेढ़ साल के हिसाब से नहीं है क्या? बड़ा ले लेंगे, 5000 वाले 2000 रुपये बचाने मतलब नहीं है। ये तो एसी में नहीं आ रही, दब गया। मिला? दीदी चले चले पेमेंट कर गया ना तुम्हें। तो दोस्तों बज गए 6:30, बेबी सीट लगवाने में बहुत टाइम लग गया हमको, 1 घंटे आसपास लग गया और अब निकल रहे हैं। अब निकल चुके हैं तो निकल रहे हैं, मन में दुविधा थी कि जाए नहीं जाए। आप चल दिए तो चल दिए, बैग पैक कर लिया, बच्चे हैं दोनों, सीट बेल्ट लगवा दी है, चलते हैं ना। बोलो जय माता दी। दोस्तों अभी इंदौर में ही है, बहुत ट्रैफिक हो रहा है यार, हमने बहुत गलत डिसीजन ले लिया, गलती कर दी दोस्तों, आपको बताऊंगी रुक के, अभी तो हालत खराब है, मतलब क्या है इतनी बड़ी ये सीट का, सीट गंदी ले ली क्या? सीट के अलावा कमा धोखे लगी तेरी तो, 1 घंटा भी तो हमको ट्रैफिक में हो गया दोस्तों, मुंबई की तरह हो गया इंदौर भी, देखो कितना ट्रैफिक यार। रात को गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं क्योंकि कोहरा होगा ना यार। तो दोस्तों बज रहे हैं 8:30 आई थिंक, क्यों रचना कितने बज रहे होंगे मुझे नहीं पता, बहुत हमें अभी हम देवास क्रॉस किया है जस्ट, और अभी तो अगर 9:15 हो गए तो 11:30 तक हम पहुंच जाएंगे। रचना थोड़ी सी टेंशन में, थोड़ी की ज़्यादा ही टेंशन में लग रही मुझे, तो चलो बाद में बात करते हैं, हमारे टोल पे हैं। हाँ अभी हम देवास री क्रॉस नहीं किया अभी सही से, तो देवास में है। तो दोस्तों 10 बज गए, आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, थोड़े थोड़े बच्चे परेशान कर रहे हैं, मगर हमको जो सीट मिलाई ना उसमें बदल दे रहे हैं रुक के, तो अभी हम रुक के भोपाल रुक के बदल ही रहे थे, तो भोपाल अभी कितना बचा है 25 किलोमीटर बचा है, 10 बज रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, बीच बीच में रुक के चाय वगैरह रचना पी एक बार, क्या करो पीना चाय चलो तो 10 बजे ऑलमोस्ट अभी रहे तो 30 मिनट पहुंच जाएंगे भोपाल, फिर देखते हैं कहाँ रुकते हैं, कि रुकने की दिक्कत आ रही है, हम डायरेक्टली पहले गांव जा रहे थे मगर 10:30 बजे रहे, रचना मना कर, चलो आगे बात करते हैं, सब यही बात कर लोगे क्या? अरे यार दोस्तों यहाँ बहुत लंबा जाम लगा है, पुलिस वाले अंकल ने हमको उधर का रोड किया था, फिर कुछ लोग इधर आए, हम इधर आए, इधर भी बहुत बड़ा जाम लगा है, हम ऑलरेडी लेट हो गए यार। देखो इधर बहुत डर लग रहा है मेरे को, घबराहट सी हो रही है, कितना जाम लगा है ये देखो। होता नहीं अंदर भोपाल रोड पे जाम लग रहा है क्या? सीहोर वो क्या नाम है उनका, प्रदीप मिश्रा जी क्या नाम है उनका? वो तो निकल गया पीछे, वो तो निकल गया उनका, उन्हीं के चक्कर में लगता था वैसे तो, यहाँ कुछ और अभी तो है नहीं यार, राम जी का रैली वैली कुछ होगा यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स तो करी, देखो प्लेयर दंगे वंगे कुछ तो हुआ नहीं यार, लोग मगर शादी हुई है, कुछ लोग पैदल जा रहा खाना खा के, ऐसा दंगे वंगे मत बोलो यार महाराज, मुझे डर लगता है, पुलिस पुलिस है यार, लोग शादी में ऐसा कपड़े नहीं, पर पुलिस क्यों है रास्ते में भी, पुलिस यहाँ भी पुलिस यहाँ नहीं है। पुलिस क्यों खड़ी है यार, लोग भी इकट्ठे आए हो, कुछ गलत ना हो रहा हो यार, डर लग रहा है क्योंकि अभी वो रोक दी है शादी वादी, कुछ हुआ है मान, लड़ाई तो नहीं हुई है, पता नहीं क्या हुआ है, फिर से रोड चेंज किया ना आपने? हाँ वापिस उधर आ गए, उधर तो रोक बंद है, लोग रोड पे, हाँ पुलिस ने रोक दिया था ना उधर, लोग रोड पे खड़े हुए थे। तो पहुंच गए भाई साहब, बैरागढ़ आ गए हैं। तो फ्रेंड्स भोपाल में तो एंटर हो गए हैं, बट थोड़ी सी गड़बड़ ये हो गई कि एक्चुअली हम लास्ट 2 साल से जब भी भोपाल आते थे तो मेरे देवर जी का घर है, मम्मी और का कह सकते हैं, मालवीय जी की मम्मी का और भाई का घर है, तो हम वहाँ रुक जाते थे, मेरे घर भी नहीं जाते हैं क्योंकि अब मम्मी वहाँ रहती नहीं है, जब मम्मी नहीं रहती है पापा नहीं है तो फिर वो घर अपना नहीं हो पाता है, आप लोग समझते होंगे, तो हम इनके भाई का और मम्मी का जो घर है वो खाली रहता है ना, तो उनकी चाबी हमेशा रहती है मौसी के पास, तो ये आप भी इन्होंने फ़ोन किया तो मम्मी ले गई, चाबी नहीं है भोपाल में, तो अब हम कहाँ जाएं, अब
सडनली कहाँ जाएंगे समझ नहीं आ रहा है। होटल ढूंढे, अब ऐसे होटल अच्छी मिलेगी कि नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अब भोपाल में एंटर होते ही फंस गए हैं, तो अभी होटल देखते हैं फिर आपको बताते हैं कि ढंग की होटल मिली या नहीं मिली, गॉड नोस। तो मान लो जी ऐसा काम आप क्यों करते हो कि मतलब पहले पूछ लेना था ना, अपन सीधा निकल रहे थे ना डायरेक्ट गांव। पर चाबी तो हमेशा रहती है ना। हाँ, तभी तो अपन ने पूछा नहीं पहले, अपन तो डायरेक्ट गांव निकल रहे थे, मगर वहाँ फर्स्ट कार वाले लेट करा, पहले मैं ऑफिस से लेट आया, फिर बच्चों के चक्कर में अपन एक घंटे काम को 2 घंटे हो गए, पैकिंग करना, फिर बच्चे रो रहे हैं, फिर फीडिंग कराओ, फिर पैकिंग करो, फिर फीडिंग कराओ, फिर बच्चे सो गए। तो गलती किसी की नहीं है। कहाँ का होटल देखेंगे, एमपी नगर में, इंद्रपुरी में, कहाँ जाएंगे? एमपी नगर ही देखते हैं, चल रहा है देखो। बड़े बड़े होटल यार फ्रेंड्स, पहले पता था कि नूर सभा, जहानुआ पैलेस वगैरह भोपाल में है, 3-स्टार होटल। स्कूल में कुछ वर्कशॉप थी तो मैं नूर सभा में आई थी, तब सपना था 2007 में कि यार जब मैं कमाऊंगी, जॉब करूंगी तो इन होटल्स में आऊंगी स्टे करने या फिर खाना खाने आऊंगी। यार मतलब बचपन के सपने यार, मुझे अपने आप से गिला है, मैंने शायद इतनी मेहनत नहीं की कि मैं उन सपनों को पूरा कर पाऊँ, मैं नहीं कर पाई। भोपाल की गलियां, कभी नहीं सोचा था भोपाल में आके होटल ढूंढना पड़ेगा रहने के लिए, जहाँ पले बड़े हैं यार, एक एक गली से नाता है। फिर भी वक्त वक्त की बात है दोस्तों, वक्त कभी एक सा नहीं होता है, इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से अभी ये व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सा होटल हमें मिलेगा और कितना टाइम लगेगा। एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, थोड़ा बजट भी देखना है और होटल बच्चों के हिसाब से होना चाहिए, हमें 1 नाइट स्टे दे दे, क्योंकि मेन तो हमें कहीं और जाना था, वो तो लेट होने की वजह से हमने सोचा अपना भोपाल ही जा सकते हैं, दिमाग से निकल गया, नहीं पता था कि घर नहीं है हमारे पास। तो भोपाल अपना है, मगर भोपाल में अपना घर नहीं, अपना भी कोई नहीं बचा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। माता रानी इस ट्रिप को अच्छा बनाए, यही दुआ है बस। जय माता दी, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स ये एक और होटल है, कहाँ गए मालवीय जी, चले गए। तो फ्रेंड्स ये एक और होटल है, एक श्री वाटिका करके पहले था ना, मैं तो गाड़ी से नहीं उतरी, मालवीय जी पूछ के आए, तो 3000 समथिंग था, बेड होना चाहिए। अरे कांच भी खुल जाते, हाउसफुल है, हाउसफुल है, शादी वादी की गाड़ी है, रुकी रुको।